गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास सेकंड। देखिए क्लास सेकंड है, क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 2 था आपका। क्लास सेकंड चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में इवन एंड ऑड नंबर के बारे में हमने आपको बताया था। इवन एंड ऑड नंबर के बारे में हमने आपको बताया था। अब इस पे आइए, एक्सरसाइज 2A में आइए। देखिए एक्सरसाइज 2A, देखिए एक्सरसाइज 2A में पहला कह रहा है क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, रिंग द ऑब्जेक्ट इन पेयर टू फाइंड आउट वेदर दे आर इवन और ऑड। देखिए इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को पहले आप सर्किल में करिए, वो भी पेयर। जब आप सर्किल के अंदर मतलब रिंग बनाएंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस रिंग के अंदर पेयर में होना चाहिए, और उसका ये भी आपको बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इवन है कि ऑड है। और उसके बाद है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या करेंगे पेयर को काउंट करेंगे और इवन और जो कॉलम आपका बनेगा उसमें अगर इवन है तो इवन भी काउंट करके लिखेंगे और ऑड है तो ऑड करेंगे। इसमें सबसे पहला नंबर वन बताइए, देखिए यहाँ नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स पहला नंबर। फिर दूसरा है इवन और तीसरा है ऑड। देखिए यहाँ पे फिगर्स आपको दिया हुआ है, उस फिगर को देखिए। और उसके बाद सबसे पहला फिगर क्या है, फुटबॉल का है। देखिए फुटबॉल है, इसमें हमें क्या है, देखिए पहले रिंग के अंदर क्या है, दो है, दो को मतलब दो ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक पेयर बनता है। तो उस जो भी आप रिंग करेंगे तो पेयर के अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे, जब दो ऑब्जेक्ट रहते हैं तब जाके वन पेयर बनता है। इससे आप जूता लेते हैं तो एक पैर का जूता आपको कहीं नहीं मिलेगा, जब भी आपको जूता मिलेगा वो दोनों पैर को मिलेगा। ग्लव्स है तो वो भी दोनों हाथ का ही मिलेगा, एक हाथ का ग्लव्स को नहीं देता है। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि आप क्या है कि पेयर के अंदर ऑब्जेक्ट को रिंग करिए, उसके बाद आपको बताना है वो इवन है कि ऑड है, और उसके बाद आपको काउंट करना है। इवन है तो इवन को काउंट करेंगे, अगर ऑड है तो ऑड को काउंट करके फिर आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले फुटबॉल में दिया है, फुटबॉल में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए इस ऑब्जेक्ट को काउंट करिए, इसमें पेयर क्या है 1 2 3 4, तो हर पेयर में दो दो ऑब्जेक्ट है, तो 4 2 1 9, तो 9 क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। जो नंबर टू के मल्टीपल में नहीं होते वो ऑड नंबर, 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, 8 आता है। लेकिन यहाँ पर 2 4 6 8 का देखिए, 8 जो है फुटबॉल जो है ये सिंगल है, इसके साथ तो कोई है नहीं जिसको इसका प्लेयर बन नहीं सकता है, इसलिए क्या होगा इवन को क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे ऑड 9 लिखेंगे। इसलिए सेकंड है, ये फर्स्ट था। सेकंड है बुक्स। अब देखिए बुक्स में क्या करें, आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे देखिए पहले बुक्स को आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या करेंगे, आप दो दो बुक का एक पेयर बनाएंगे, दो दो बुक का एक पेयर बना के उसको रिंग करिए। तो पहले देखिए इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसमें कितने होंगे, देखिए इसमें सेकंड में 5 पेयर बनेगा, एक पेयर में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दो बुक का एक पेयर बनेगा, तो 1 2 3 4 5। इसका आपका क्या होगा कि 5 2 10 हो जाएगा, क्योंकि हर में दो दो ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10, तो जो 10 होगा वो आपका क्या होगा इवन होगा। यहाँ पे देखिए 10 लिखिए और यहाँ पे क्रॉस कर दिए। इसी तरह आइए टूथब्रश में आइए, टूथब्रश को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए टूथब्रश जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो 2 के टेबल में तो 7 आता नहीं, इसलिए ये क्या ऑड नंबर हो जाएगा।
जो टू के टेबल में आएगा वो इवन नंबर होगा, जो टू के टेबल में नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा। तो टू के टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 6 तक यहाँ पे 6 तक का तो पेयर आपको बन जाएगा, क्योंकि एक पेयर में दो दो ऑब्जेक्ट होंगे तो 1 2 3 इसमें 3 पेयर बनेगा, लेकिन लास्ट में एक प्लस जो है वो उसका पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब कि ये थर्ड होंगे 2 10 तो इसको पास करिए यहाँ पे 7। अब आइए लॉलीपॉप है बच्चों, जो बच्चे छोटे बच्चों को दिया जाता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 देखिए लॉलीपॉप कितना 1 2 3 4 5 6 तो 6 है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब कि 6 इवन नंबर हो गया। फोर्थ में आइए, क्रॉस करिएगा और यहाँ फिर देखिए इसमें 6 है, इसमें क्या होगा, इसमें 3 पेयर होंगे, 3 2 6 होगा, एक पेयर में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जैसे ही 3 पेयर बनेगा तो 3 2 6 हुआ, तो इसका मतलब 6 आपका इवन नंबर हो गया। अब आइए देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 इसमें जो फ्रूट है कितना है 5 है, तो 4 तक का तो पेयर बन जाएगा, लेकिन एक जो है इसका पेयर नहीं बनेगा, 2 के टेबल में 5 आता नहीं, इसलिए जो है 5 आपका ऑड नंबर हो गया है। क्रॉस करिए और यहाँ पे देखिए क्लोज, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए इस तरह से हमने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया, और यहाँ पे देखिए आप जो है बुक के अंदर जो है पेयर बना के फिर यहाँ पे इवन में है, तो देखिए इवन में हमने 10 लिखा, यहाँ पे 10 लिखा और ऑड को क्रॉस करेगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द नेक्स्ट इवन नंबर, राइट द नेक्स्ट इवन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेक्स्ट इवन नंबर, जो नंबर आपको इवन नंबर जो दिया है उसके बाद अगला जो इवन नंबर क्या होगा वो आपको भरना है। इसे याद किया है 18 34 86 150 122 142 68 और 176। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा है राइट द नेक्स्ट इवन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको अगला जो है इवन नंबर लिखना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए 1 8 18 होता है तो 2 के टेबल में 18 आता है, अब उसके आगे क्या है 18 और 19, तो 19 आता नहीं है, 2 के टेबल में 19 आ पाएगा नहीं, 19 को छोड़ दीजिए। फिर 20, 2 के टेबल में 20 आता है, इसका मतलब कि अगला नंबर यहाँ पे 20 हो गया। इसी का देखिए 34, अब ये 2 के टेबल में 34 तो आता नहीं है, पहली चीज 2 के टेबल, लेकिन जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल जब आप 17 बार पढ़ेंगे तो 34 होता है, अगर 2 का टेबल आप पढ़ेंगे 17 बार, कितनी बार 17 बार पढ़ेंगे तो आपका 34 होता है। फिर 34 बाद देखिए 35, तो 2 के टेबल में 35 नहीं आता है, 2 के टेबल में 35 नहीं आता है, अब 35 का है 36, अब 36 को देखिए यहाँ पर समझा देना, देखिए 2 के टेबल में 36 नहीं आता है ना आपको, आप क्यों देखिए ये जो 1s का नंबर है, देखिए 2 डिजिट का नंबर है ये, तो 1s के नंबर में देखिए 6 आ रहा है कि नहीं 6 आ रहा है, 34 35 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
तो इस नंबर को कट कर दो। अब यहाँ 36 में 2 के टेबल में 6 आता है कि नहीं आता है, 6 आता है ना, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 जा 2 2 जा 4 2 3 या 6, 2 के टेबल में 6 आता है, इसलिए अगला नंबर यहाँ पे 36 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 86 लिखा, 86 के बाद 87 को आप लोग देखेंगे यहाँ पे 87, तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, आता है अगर आप पढ़े होंगे तो, 2 के टेबल में अगर आप 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं, इसलिए आप 87 नहीं लिख सकते। लेकिन जब 87 के आगे चलेंगे तो 88 मिलता है, 88 में जो 8 होता है, 2 के जो 88 में दो बार 8 है, इसलिए 2 के टेबल में 8 आता है, 2 बन जाए 2 2 2 जा 4 2 जा 6 2 4 जाए, इसका मतलब यहाँ पर 88 होता है। इसी तरह देखिए 150 मतलब 150, अगला नंबर 151 हुआ, 151 हुआ यहाँ पे ये कट हो गया। अब देखिए 151 तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, 2 के टेबल में 1 आता है नहीं आता है, अगला नंबर क्या होगा 152 आया, तो यहाँ पे 152 में 2 के टेबल में 2 आता है, 2 बन जा 2 आता है, 2 बन जा 2 होता है, इसका मतलब कि हो जाएगा यहाँ पे 152। अब देखिए 22, 2 का टेबल आप 11 बार पढ़ेंगे तो 11 2 जा 22 होता है। अब देखिए 22 के बाद आता है 23, 2 के टेबल में 3 आता नहीं है, आता है 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, लेकिन 23 के बाद जैसे आप 24 करेंगे तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, इस पे अगला नंबर यहां पे 24। अब देखिए आपको इस नंबर से 142 है, तो 2 के बाद इस नंबर को आप देखिए, इसके दो नंबर को हटा दीजिए, 2 के बाद 3 आता है, तो 2 के टेबल में तो 3 तो आता नहीं है, आता है नहीं आता है, उसका 3 के आगे 4 आता है, तो 2 बन जाए 2 2 या 4 होता है, 2 के टेबल में 4 आता है, इसका मतलब कि ये दोनों नंबर को आप लिखेंगे, इसको आप नहीं बदलेंगे, 2 के बाद 3 नहीं आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, अगला नंबर 142 है। अब देखिए इससे कोई चीज है कि आपको इस नंबर से मतलब है, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 8 के बाद 9, तो 9 2 के टेबल में तो 9 नहीं आएगा, 2 के टेबल में क्या आता है 9 नहीं आता है, लेकिन जैसे आप 9 के बाद अगला नंबर क्या होगा 10 हो जाएगा, 68 है, इसमें जैसे आप 2 ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए 68 69 और 70, तो यहाँ से पहले 1 फिर यहाँ पे 1, इसमें 2 स्टेप में बढ़े हैं, तो जैसे 68 को 2 करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 लिख देंगे। इसी तरह 176 है, आपको ये नंबर समझिए नहीं, 6 के बाद 7 आता है, तो 6 के बाद 7 2 के रूप में 7 आता है नहीं आता है, फिर 7 का 8 आता है, इसलिए लिखेंगे ये नंबर वही रहेगा, उसका नाम एक कर दें, इस तरह से आपका इवन नंबर हो गया, क्या हो गया आपका इवन नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वही चल रहा है, राइट द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको कह रहा है राइट द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको अगला जो है ऑड नंबर है ना, इसे आ गया है 43 91 29 183 35 159 67 और 175। अब यहां पे देखिए आपको अगला और नंबर लेना है, तो आप पहले नंबर छोड़ देते
पहला नंबर आप छोड़ दीजिए, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 जो होता है 2 के डिवीजन में आता है, इसलिए आप 4 नहीं लिख सकते हैं। अब 4 के आगे क्या होता है 5 आता है, 2 के डिवीजन में 5 तो आता नहीं, इसलिए जो है 2 के डिवीजन में 5 आता नहीं। जो नंबर 2 के डिवीजन में आएगा वही नंबर आपका ऑड होगा, तो 2 के डिवीजन में 5 आता नहीं, इसलिए जो है आप यहां पहला नंबर सेम रहेगा, हल देंगे 45। इसी तरह देखिए 91 है, तो आप इस नंबर को हटा देंगे तो 1 बचा, तो 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 2 के टेबल में 2 आता है, इसलिए वो इवन नंबर हो गया। 2 के बाद आगे चलेंगे 3 आएगा, 2 के बाद 3 आता है, तो 2 के टेबल में तो 3 आता नहीं, इसलिए अगला नंबर पहला नंबर वही लिखेंगे और उसके बाद 1 के बाद 2 को छोड़ देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसी तरह देखिए इसमें भी 2 को हटा दीजिए, 9 के बाद 10 आता है, तो 10 2 के टेबल में आता है, इसमें जो है हम 10 को नहीं लेंगे, 10 के बाद 11 हुआ, 11 में केवल आप 1 लिखेंगे और पहला नंबर आपका वही रहेगा। तो 29 के बाद क्या है, देखिए जैसे आप 9 में 1 ऐड किए, 10 हुआ, 10 आप ले सकते हैं और 9 में फिर एक नंबर और ऐड करेंगे, तो 2 नंबर ऐड हो रहा है ना, यहाँ समझिए 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, 9 के बाद 10 आता है, तो 2 के टेबल में 10 आ गया, तो इवन नंबर हो गया। अब 10 के बाद फिर 11 में आ जाएगा, तो 2 के टेबल में 11 आता नहीं, तो आपने 2 नंबर ऐड किए, कितने नंबर ऐड किए 2 नंबर, तो 29 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। इसमें कोई चीज है याद, 18 को छोड़ दीजिए, 18 आप नहीं है, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 2 के टेबल में 4 हो गया, 4 को आप नहीं ले सकते हैं कि वो इवन हो जाए, 4 को आप नहीं ले सकते क्योंकि वो इवन है और आपको ऑड नंबर लेना है, तो इसलिए जो है 4 नहीं लेंगे। उसके बाद 5 आता है, 4 के बाद 5 आएगा, तो 2 के टेबल में 5 आता नहीं, इसलिए आप जो स्टार्टिंग का दो नंबर 1 8 वही रहेगा और 5 लिख देंगे। इसमें कोई चीज है यहाँ पर, कोई चीज 3 को हटा दीजिए, 5 बचा, 5 के बाद 6 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 2 के टेबल में 6 आता है, 6 के बाद क्या आता है 7 हुआ, इस मामले में आपको 37 हुआ। अब यहाँ पे कोई 15 को हटा दीजिए, यहाँ पे तो 9 के बाद 10 हुआ, तो 10 को लेंगे नहीं, 11 हुआ, तो दो नंबर आपने ऐड किया ना, यहाँ पे 9 के बाद 10 11, तो आपने दो ही नंबर को पढ़ा, इसमें दो नंबर ऐड करेंगे ये हो जाएगा 161 हो जाएगा। इसमें भी चीज है 6 को हटा दीजिए, 7 हुआ, 7 के बाद 8, 8 2 के टेबल में होता है, इवन नंबर हो गया, और 8 के बाद आगे चलेंगे 9, तो इसमें जैसे ही हमने 2 नंबर ऐड किया तो 9 आ गया, 2 के टेबल में 9 आएगा नहीं, इसलिए जो है ये आपका 69 बन जाएगा, क्या हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 17 को हटा दीजिए, 17 मान लीजिए नहीं है लेकिन क्वेश्चन में 17 रहेगा, यहाँ पे समझने के लिए समझा है, 17 को आप छिपा लीजिए ऐसे, तो 5 है, 5 के बाद 6 आता है, तो 6 इवन हो गया, 6 के बाद 7 हुआ, इसका मतलब कि आपने दो नंबर इसमें ऐड किया, क्योंकि 2 के टेबल में 7 आता नहीं, इसलिए जो है हो जाएगा 177। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कह रहा है ऑल द इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम 10 टू 65। आपको इवन नंबर और ऑड नंबर जो है 10 से 65 के बीच के नंबर आपको लिखने हैं, तो सबसे पहले इवन नंबर बनाइए, इवन नंबर दिया है तो आपको 10 से 65 के बीच में इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हुआ,
फिर उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 लिख दीजिए। फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 हो गया। फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। फिर यहाँ पर लीजिए 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। और यहाँ पे 61, 62, 63, 64, 65। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, राइट ऑल द इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम 10 टू 65। आपको 11 से मतलब 10 से स्टार्ट करना और 65 के बीच के नंबर सारे लिखने हैं। तो 2 बटे 11 आता नहीं है, 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 आएगा नहीं, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, और 21, 22, 24, 26, 28, 30, फिर आपका 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, यहाँ 62 हो जाएगा और 64। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर हमने सर्किल किया है वो इवन नंबर है। क्या होंगे जो नंबर हमने सर्किल किया है, देखिए ये हमने आपको समझाने के लिए किया है, इसको कॉपी में इस तरह से मत लिखिएगा, सीधे आंसर लिखिएगा। हमने यहाँ समझाने के पर्पस से आपको पहले हमने क्या किया 11 से 64 तक नंबर हमने लिख दिया, 65 नहीं होगा। देखिए 11 से लेकर 64 तक का नंबर लिख दिए, उसके बाद हमने जो नंबर हमने सर्किल किया है वो इवन नंबर होगा। इवन में क्या किया है 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64। जो नंबर हमने सर्किल किया है वो आपका इवन नंबर होगा। इसी तरह और नंबर भी आपको लिखना है, और इसी तरह आपको ऑड नंबर लिखना है। जिस नंबर पे सर्किल नहीं है वो ऑड नंबर होगा, जिस नंबर पे हमने सर्किल नहीं किया है वो नंबर आपका ऑड नंबर होगा। इस तरह से आपका हमने एक्सरसाइज 2A फिनिश किया है। 2A इसमें इवन नंबर एक नंबर लीजिएगा, देखिए यहाँ सर्किल दिया हुआ, इस सर्किल के अंदर सारे इवन नंबर लिखिएगा और इधर ऑड नंबर लिखिएगा, और कॉपी में इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसको हमें समझाने के पर्पस से आपको बताया कि और इसका इवन नंबर आप यहाँ उतारिएगा और जो बचेगा यहाँ पे ऑड नंबर उतारिएगा। डेट्स ऑल।